या जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी है आ गई। मेरे साथ है आरजे वीर सराबा। तो रेडियो सिटी 91.1 की तरफ से मैं आरजे शिवम आपका नए यूट्यूब वीडियो के अंदर बहुत ही स्वागत करता हूँ। और आज तो पहला नया दिन है और हमारा नया वीडियो और नवरात्रि भी चल रही है और उसका अभी आज तीसरा दिन है। तो उससे पहले भैया मुस्कुराओ क्योंकि आप हमारे वीडियो के अंदर सस्ते इंट्रो और उससे भी सस्ते म्यूजिक के साथ हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो ए हेलो, तो मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि क्यों भाई मैं आज आरजे की तरह बोल रहा हूँ। मतलब हाँ, मतलब आरजे बन सकता हूँ, यू नो, खोपड़ी तोड़ साले का मेरा। क्योंकि हम जाने वाले हैं रेडियो सिटी की तरफ से इवेंट के अंदर। इवेंट माने तो मतलब अभी नवरात्रि चल रही है, आज मतलब मैं जब वीडियो शूट कराऊंगा ना मतलब इसका तीसरा दिन है। तो मैं रेडियो सिटी के साथ जाता हूँ, वो रेडियो सिटी वाले अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं और जो सबसे अच्छा गरबा खेलते हैं उनको गिफ्ट देते हैं, उनका भी प्रमोशन हो जाता है। तो हम शायद 10 दिन के लिए जाने वाले हैं, 9 या 10 दिन। नवरात्रि तो 9 ही दिन होती है, लेकिन शायद दशहरा के दिन ग्रैंड फिनाले है राहुल राज मॉल के अंदर। यार स्पॉन्सर का नाम गलत ले लिया, सॉरी, रेडियो सिटी राहुल राज मॉल के अंदर है ग्रैंड फिनाले। तो वहीं पे भी हम जाएंगे, वहीं पे भी ब्लॉग शूट करेंगे क्योंकि लास्ट दिन है और मैं दो या आज तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं रोज आरजे से मिलता हूँ, मतलब दो दिन आरजे से मिला। आज और एक आरजे आने वाला, उनका नाम है आरजे वी 91.1 से रेडियो सिटी से। तो फिर हमने सोचा हम ब्लॉग करते हैं, हमें भी मजा आएगा आपको दिखाने में कि भैया हम क्या करते हैं पूरे दिन। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम सोसाइटी में जाएंगे और आरजे से मिलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब मेरा काम क्या है वहाँ पे। जो इवेंट के जो मैनेजर हैं उनसे मिला था कि हमें रेडियो सिटी के साथ जाना है, तो हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं और बतियाते हैं कि भैया क्या होता है उधर। तो चलो 2 सेकंड में हम तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है। तो भैया मैं अभी निकल गया हूँ वो वेन्यू पे जाने के लिए और लिस्ट आ गई है, लेकिन ये यार सूरत दिखता ना आज, मुझे लगता है मुझे कॉम्पीट कर रहे हैं हॉटनेस के मामले में। यार गर्मी बड़ी तेज़ है, लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी से पहुँचते हैं यार। और मैं फ़ोन रखता हूँ अंदर, सीधा स्टेशन पे मिलते हैं, चलो। तो भैया बड़े ही संघर्ष के बाद हम आ पहुँचे हैं सायन रेलवे स्टेशन के ऊपर। संघर्ष भी इतना भार क्यों दे रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत चल के आया हूँ और मतलब कैसे चल के आया वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मतलब तो कोई नहीं, लेकिन सो फार सो गुड, हम पहुँच गए यहाँ पे सायन रेलवे स्टेशन। और आज ना मैं मतलब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा, ना व्यक्ति तो नहीं कह सकता लेकिन कोई इसी वस्तु से मिलाऊंगा जिसका ना मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगर शायद वो ना होती ना तो मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो देखो सिर्फ भी 2 मिनट में वो आएगी, 2 या 3 मिनट में, देखना मैं आपको दिखाऊंगा। Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. And guys, finally, देखो देखो वो आ गई, देखो यही तो है अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली। देखो 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 क्या स्वैग है भाई। कभी कभी तो ना मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब गले से लगा ले, लेकिन उसको गले लगाने के चक्कर में हमारे लग जाएंगे मतलब इसलिए। लेकिन कोई नहीं, चलो फटाफट हम ट्रेन में बैठते वरना ये उपड़ जाएगी, मतलब चली जाएगी। भैया अभी चलते हैं उसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई है। तो गाइस फाइनली वी आर ऑन द सूरत रेलवे स्टेशन। तो चलिए बाहर चल के बात करते हैं, थोड़ी मरम्मत चल रही है मेरे चप्पल की, तो चलिए थोड़ी देर के अंदर अभी निकलना है उस वेन्यू के लिए। तो बस में जाना है तो थोड़ी देर के अंदर, आधी मंजिल मिली है, आधी अभी बाकी है। तो गाइस फाइनली वेन्यू पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे आना था। तो सोसाइटी का नाम है ग्रीन वैली करके, जो अड़ाजड़ में है, और मुझे जितना काम तो मेरा काम तो हो गया है। बस जो ये बोर्ड था ना रेडियो सिटी 91.1 का, ये देखो रेडियो सिटी 91.1 का जो बोर्ड था, बस वो वहीं मुझे लगाना था। तो बस मेरा काम कंप्लीट हो गया, अभी कुछ एमआई वाले आएंगे तो बस उनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे अभी आप आगे क्या होगा और कौन आएगा। सो देख लो ये सोसाइटी, यहाँ पे वो लोग खेलेंगे गरबा और फिर बाद में आएंगे आरजे और होगा सब धमाल। तो फिर
तो भैया अभी बज गए 8 और अभी तक तो शुरू नहीं हुई नवरात्रि, लेकिन जल्दी ही होगी। और वो एमआई वाले भी आ गए, तो वो अपना कुछ सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वो ना रेडियो सिटी के अंदर वो मेन स्पॉन्सर है। तो फिर अभी देखते कितने बजे होगी शुरू, बोला था 9:20 को होगी, तो फिर 9:20 को होगी तो हम दिखाएंगे। ठीक है, નિલેશભાઈ મારો અવાજ બરાબર કોને કરે સંભળાય છે? હાથ ઉપર કરો જલ્દી થી, વેરી ગુડ। તો પહેલા બધા બોલો શ્રી અંબે માત કી જય। માતાજી ના ફંક્શન માં આવ્યો, ગરબા કરવાના છે, થોડી એનર્જી વધારો, બોલો શ્રી અંબે માત કી જય। હવે 5 જોડીઓ સિલેક્ટ કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ? 5 જોડી, એટલે હવે પાછા તમારી ચિંતા પેલી કે મારે તો મારા વાળી આવી નથી, હવે કોઈ વાંધો નહીં, જોડી એટલે કોઈ પણ 2 જણા ચાલે, 2 છોકરા 2 છોકરી, ભાઈ બહેન, મમ્મી પપ્પા, કોઈ પણ ચાલે, 2 જણાની જોડી હોવી જોઈએ। જીસ ઘડી કા થા ઇંતજાર વો ઘડી હૈ આ ગઈ, મેરે સાથ હૈ આરજે વીર સર, આપ અપના ઇન્ટ્રોડક્શન ખુદ દેંગે વો રેડિયો કે સ્ટાઇલ મે। ભાઈ ઇન્ટ્રોડક્શન મે તો ઇતના હી હૈ, ચલો આરજે વી ઈ ઈ આર બોલે તો વીર મેરે યાર, સુરત સ્વચ્છતા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર, એન્ડ યે લડકા સ્વચ્છતા કે લિયે અચ્છે ખાસે વ્લોગ બના રહા હૈ, બહોત મહેનત કર રહા હૈ। मेरा सिंपल सा बस यही कहना है कि अभी हर कोई जानता है कि सही जगह पर कचरा डालना है, गलत जगह नहीं डालना है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो गलत जगह डाल रहे हैं उनको जाके बोलो कि भाई ये गलत है, अब ये नहीं करना है, सिंपल, राइट? थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन सुनो भाई सुनो, आज सूरज देवता पूरे अपने जलवे दिखा रहे हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी। एनीवेज सुनो, आरजे वीर है ना, वो सूरत के ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता अभियान के, जैसा उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता था इस वीडियो के पहले, तो उन्होंने बोला, मुझे पता चला, और उन्होंने एक इनिशिएट लिया है कि जितना कम प्लास्टिक यूज़ हो सके उतना करना है। तो आज से मैं भी जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज़ करूँगा, आप भी उतना कम प्लास्टिक यूज़ करें प्लीज़, और सूरत गुजरात और पूरे इंडिया को स्वच्छ रखना है तो स्वच्छता चार ओर रखें। और तब तक अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भाई सुनो, मैं आज व्लॉगिंग नहीं कर पाई इतनी ज़्यादा पब्लिक के अंदर, क्योंकि ना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। आप सपोर्ट करते रहो, हम सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, आपको और मज़ा देंगे, तो फिर सपोर्ट करो यार, वीडियो शेयर करो। बस आज का यही था, और होगा तो और आरजेस के साथ मैं वीडियो शूट करूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करो, मैं और जितनी भी आरजेस आएंगे सबके साथ वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, कमेंट करो, और जो मन में है वो नीचे लिख दो। तो तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, टेक केयर, जिंदगी एक खेल है, पैसा आपका महल है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बगल में आइकन बेल है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और तब तक ये वीडियो का मजा लो, शेयर करो, और भाई आप अगर आप वीर को जानते हो तो नीचे कमेंट कर दो। तो फिर बस, और अपने आस पास प्लीज़ यार स्वच्छता रखो, स्वच्छता, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, आओ जी।